जिन्हों अज इस गाने की धरती से आके जिथे बाबे नानक की चरण धूड़िया वो साढ़े मत्थे ते लाउण का मौका मिलया। गुरु रूप साहिब संगत बाबा नानक सारी दुनिया का पैगंबर सी और ये आम मशहूर सी गल अपना हिंदू का गुरु ते मुसलमान का पीर बाबा नानक शाह फकीर बाबा नानक साडा शाह फकीर सी। गुरु रूप साहिब संगत उस शाह फकीर ने जिहड़ा चलाया होया कुर्बानियां कीतियां उन्हां दा धर्म बचाया साढ़े नवे गुरु ने अपना शीश दिता उन्होंने और उत्थे इस हिंदुस्तान की सरकार ने साढ़ा 2.5 लाख सिख शहीद किया है। खालसा जी राज बिना ना धर्म चले हैं धर्म बिना सब दड़े बने हैं। जे अपना राज हुंदा कि ये हिंदुस्तान की सरकार की जुत पी गई 1984 दरबार साहब से हमला करके 20,000 सिख उसे शहीद कर खुश दिंदी है कौम की सिख सारी दुनिया जेड़े स्प्रेड हो और कितने भी सिख न कोई तकलीफ होंगी बाहर का सिख आवाज उठा है और अमरीका की कांग्रेस हिंदुस्तान की 7 बार इन्होंने जी फॉरन एड सी वो बंद की गई कि इन्होंने सिखा से ह्यूमन राइट वायलेट हिंदुस्तान उसे सिखा से जुलम बहुत होंगे कोई माड़े की राज की गल करता तो टबर चुक के लै जाते हैं लेकिन बाहर का सिख आजाद है और आप सारे मोटे ना मोटा जोड़ के खालिस्तान आजाद करवाना और मेरे जेडे सिख भरा अकाली का अपना एच ई पी सी उतों आए हैं अकाली भी भरा साढ़े सिख ने देखो राज बिना गुजारा नहीं जे हिम्मत करो ये जिनी देर साढ़े को राज नहीं गा उन्नी देर तुम इंकलाम जे और मैं ताया का फिर भी आया कहना और सारे दोबारा on this most important day among the Sikh community here. We feel humbled by your generous invitation to have us among you on this most important day for the Sikh community. Switzerland was mentioned before. It is true. I am coming from a country where we live together in numerous minorities. I would say we are a country of minorities and we have learned to live together peacefully and in respect of equality. I know one of the most important principles of Sikhism is equality, including gender equality. That is not so obvious and it's most astonishing since this is so for over 500 years. And it gives me a great pleasure to congratulate you to the celebration of the 543rd birthday of Guru Nanak. गुरु नानक देव साहब की साथ संगत जी सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आई एम वेरी ग्लैड दैट ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड एंड मैडम इज ओवर हेयर वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर ओवर हेयर and we hope that next time inshallah we'll see you over here also. Suleiman Najib Khan sahab, unki begum sahiba, Sardar Manmohan Singh sahab, Haresh Kumar sahab MLA, Zahid Hussain Dar sahab, Sardar Manmohan Singh sahab, Sardar Pratpal Singh sahab, Sardar Harvinder Singh Sarna ji, हम बहुत खुश हैं सरना जी आप इधर हैं हमारे पास
और बाकी सबसे के लिए भी, लेकिन सन्ना जी के लिए मैं दरख्वास्त कहना चाह रहा हूँ, उसकी वजह बाद में बता दूँगा। सरदार रामपाल सिंह साहब, सरदार जोगा सिंह साहब, सरदार जगन सिंह साहब, सरदार श्याम सिंह साहब और नबील साहब, उनकी बेगम साहबा, सुहेल रजा साहब, अजहर एहसान साहब, खुर्शीद तूर साहब, जुनेद साहब सेक्रेटरी और चौधरी रियाज साहब सेक्रेटरी, डीसीओ साहब हसन इकबाल साहब, डीसीओ फॉर्मर जिनका मैंने नाम बोल दिया है, डीपीओ हैदर अशरफ साहब और रिस्पेक्टेड एमएनएज एमपीएच और तमाम जो गुरु नानक देव साहब की संगत इधर आई हुई है, सबको वह सलाम अलैकुम और सत श्री अकाल। इधर जब आने के लिए कम से कम दिन में दो दफा ये दुआ करते हैं रब से कि हम इस मुकद्दस मुकाम पर आए और दुआ करें, और आप और हम सब पागा वाले हैं ना, पागा वाले आगे जड़े इतने आए हैं, सानू ये मौका मिले है। तो मैं सरदार श्याम सिंह साहब को कहना ना कटे गए उनके, साढ़े वालों नहीं कटे गए, इधरों कटे गए, ने बुलावा ही नहीं आया सी। जदों बुलावा ना आवे तो किवें आवन जी, ये तो सानू तुहानू बुलावा आया सी, असा आ गए हाँ। इस वास्ते ये कोई फिक्र नहीं करनी कि जनाब सानू ना कटे गए, सानू नहीं बुलाया गया, साढ़े पासपोर्ट नहीं बने, वो तो कहते ही नहीं हो कि उसे पासपोर्ट नहीं बनते, असं तो ख्वाहिश करते हैं पासपोर्ट बने, वध तो वध लोग आवन, ये इन्हों की धरती है, ये प्यार करते हैं, इतों जब हवा जाती उथे तो दुआ मंगते ने, और इतों ही बाबा जी की तरफों इन्होंने कबूल होती है। जिन्हों जिन्हों इजाजत मिली आओ मेरे अगे मथा टेक लो, ओ आ गया, जिन्हों इजाजत ना मिली, जिन्हें इन्हें बुलाया ही नहीं, उन्हों किस तरह वो किस तरह आ सकता सी। मैं ते तुसा किस्मत वाले गया कि जिस मर्द कामिल इंसानियत की जिन्हें खिदमत की, जिन्हें तौहीद दा दर्ज दिता, एदी 543वीं सालगिरह ते असा आया, ते साडी खुशी ते देखो, और मेरी खुशी ते वैसे नहीं मुकदी कि इन्हें मुकर्रर कीता है दुनिया, इन्हें मुकर्रर कराया सारे मुसलमानों ही चो नेक चुनना सी ना इत्थों, इन्हें फिर मनु मुकर्रर कीता है कि मेरी खिदमत करेगा, मेरी खिदमत करेगा सैयद आसिफ हाशमी, और आसिफ हाशमी की कड़ी जरूरत है कि सारे काम करा जाए, कोई वो आप ही करा रहा मेरे को। देखो जी गोल्डन साड़ी दोस्ती ते जदों गोल्डन टेंपल दी संगे बुनियाद रखी गई ना, साड़ी मुसलमान ते सिखां दी ते फ्रेंडशिप उसे दिन तो शुरू हो गई ना, उसे दिन तो प्यार शुरू हो गया ना। देखो प्रतपाल सिंह ते साढ़े दोस्त सारे अमरीका तो आए ने, कोई जनाब मनमोहन सिंह लंडन तो आए ने, ते कोई सिंध अंदरूने खान तो आया है, ते कोई जिन्हों दसो अंबेसडर स्विट्जरलैंड नूं भी बुला लिया उन्हें, इस तों बाद स्विट्जरलैंड वाले अगर मैं इथे खिदमतगार बनाया गया वा, और जिस दिहाड़ी तिकर मेरी मंजूरी हुई हुई है कि बाबा जी कहते ने, मेरा बाबा जी कहते हैं कि इस तारीख तिकर मेरी खिदमत करेगा, तो मैं खिदमत करता जावांगा। मनु भी लोड़े मनु लिख के इन्होंने दिता है कि सारी चीज़ा दसनिया ने कि किन्ने कमरे 350 कमरे बनाते, 200 खूबसूरत प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाते, 300 लेडीज से सॉरी जी वॉशरूम बनाते, सरोवर साहब वास्ते मैं बगैर कस्टम दे बगैर किसी चीज़ दे कहता है जिन्ना लियाना है संगे मरमर उन्ना संगर मरमर लैओ इंडिया तो, कोई ऐसा ना कोई टैक्स लावांगे, नो कोई किसी किस्म की कोई पैसा थोड़ा लगेगा, जिन्ना प्यारा अच्छा समझते हो इत्थे लै आओ बॉर्डर तो लाई जाओ, जिस जिस जगह गुरुद्वारे सरोवर साहब संगे मरमर अपनी मर्जी का लाना है वो भी लाई जाओ।
गुलजन तां दे सूर्य सिस्टम नु भी ठीक करवाता है। गुरुद्वारा साहिब विच नई टाइप टायर्स मार्बल फ्लोरिंग करवाई दे गई है। गुरुद्वारा साहिबान आने वाली संगत सिक्योरिटी दे वास्ते जदीद चीजा लातियां ने। हां इवें ही लगदा है मैं नानकियां तो वापस आ रहा हूं। ਉਹੀ ਗਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਰਖਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਮਮਲਿਕਤ, ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੈਯਦ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੋ ਵੋਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਐਂਡ ਮੈਡਮ, ਆਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਯੂ। To the Swiss ambassador, please come to the stage and receive the 6 souvenir from Baba Jai Sonehar. Papa ji, Papa ji, ek minute. Chairman sir, hello, bhai. Bole Sonehar. बोले सोनिहार जुनैद साहब, सरदार जरनेल सिंह जी जर्मनी से तशरीफ लिया ने, उन्होंने बेनती है गुरु घर का सिरपा लेन, तारा सिंह सिरपा देने गुरु घर का, तारा सिंह जी स्टेज पे आ जाए, सरदार विजय सिंह स्टेज पे आ जाए। बोले सोनिहार ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।